हेलो, कैन यू प्लीज सी मी? हेलो, माय वॉइस इज क्लियर टू यू पीपल? लेट मी नो। एम आई हेयरेबल? ओके, सो होप एवरीवन इज हैप्पी, हेल्दी एंड गुड लर्नर एज वेल। ओके, सो जी मैम जी, खदीजा, हाउ आर यू? आरिफा एंड सना चौधरी, शुमाइला, हीरा, जुल्फकार, सो होप एवरीवन इज हैप्पी एज आई एम हैप्पी। सो गॉड ब्लेस, बिकॉज दैट इज द ऑर्डर ऑफ द गॉड, कमांडमेंट ऑफ द गॉड, बी हैप्पी ऑलवेज, बिकॉज हैप्पी इज द पर्सन इज ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, तो हैप्पीएस्ट इज मैन इज ऑलवेज द लकीस्ट, बिकॉज इफ यू विल स्टे हैप्पी, सो दैट मीन यू विल गॉट सो मेनी ब्लेसिंग्स। एंड इफ यू ऑलवेज गेट एंग्री एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग एटीट्यूड, दैट ऑलवेज वी विल लॉस्ट आवर ब्लेसिंग। सो द वट टू कॉल द रिजल्ट इज ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू। आई एम वेटिंग फॉर अपलोडिंग द लेक्चर्स। सो थैंक यू सो मच महा। सो टुडे वी विल लर्न अनदर सेशंस अबाउट लेसन प्लानिंग्स। टुडे आवर टॉपिक इज लेसन प्लानिंग्स। रिमेंबर द लास्ट लेक्चर? हेलो, वालेकुम अस्सलाम नीलम, रिमेंबर द लास्ट लेक्चर? व्हाट वाज? आई एम फाइन नीलम, टेल मी व्हाट वाज आवर लास्ट टॉपिक, व्हाट वी लर्न इन लास्ट लेक्चर? डोंट वरी, देर इज अ सो मेनी बुक्स, सो मेनी थिंग्स आई वांट टू टीच यू। इफ आई एम एबल टू गेट द टाइम, आई विल टीच यू सो मेनी थिंग्स, डोंट वरी। And this is very good, you know, opportunity for you to people learn properly, because without this, like this is the weapon. ये जो आपको मैं subject पढ़ा रही, it's like a weapon. How to deliver your knowledge, how to implement your knowledge, क्या strategy use कर सकते हैं? Very good. गुले लाला demonstrations, very good. So demonstrations के साथ हमने एक और भी पढ़ा था method. सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हमने एक और भी टॉपिक पढ़ा था, याद है आपको? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। सो लेक्चर के साथ जो है, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ लेक्चर, जिसमें हमें कोई स्किल्स परफॉर्म नहीं करना पड़ती, बल्कि हम उसको कॉपी करके टीचर को इमीडिएटली उसको उसका रिफ्लेक्शन दे रहे होते, यानी कि उसका रिजल्ट दे रहे होते। सो टुडे विल टॉक अबाउट लेसन प्लानिंग। Everybody is familiar, ma'am. हम revise करना चाह रहे हैं, अब इसलिए topic का पूछ रहे हैं। Whole syllabus will be included.
So let me start. If you will ask me a question, I will not able to, you know, continue my lecture. So at the end, we will complete all. I will answer your questions. So let me finish start the, this topic. So today our topic is lesson planning. Maybe everybody is get familiar with the lesson planning. So lesson planning kya hota hai? Why we are preparing the lessons? What is our purpose of lesson? Lesson plan. We will learn the different component about the lesson planning. So lesson planning kya hai? Lesson planning is a road map of instructions. यानी कि एक ऐसा एक road map है जो जो आप बता रहे होते हो कि कैसा रास्ता है कि आप यहाँ से जाओगे यूं करोगे उसके बाद यहाँ जाओगे यानी कि एक आपकी instructions का क्या है ये एक road map है. It help in achieving goals and objectives. इसके जरिए आप अपने goal और objective को achieve करते हैं and same can be said on the part of the student. और ऐसे ही student भी जैसे teacher कर रहा होता है ऐसे ही स्टूडेंट भी कर रहा होता है. इट हेल्प टू गेट राइट ऑफ द प्रॉब्लम और अवॉइड दम. इसके जरिए हम प्रॉब्लम से बच जाते हैं और इसे अवॉइड किया जा सकता ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम बात कुछ और कर रहे थे पहुंच कहीं और गए. तो लेसन प्लान बनाया होता तो इसका मतलब है कि हमने प्रॉपर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया होता है. इट गिव्स अ रियलिटी चेकिंग ऑफ एवरी डे परफॉर्मेंस. इसमें क्या हम चेक करते हैं? It gives a reality check of everyday performance. इसके जरिए आई मीन हम इमीजिएटली अपना जो पढ़ाया था उसके फॉर्मेट के जरिए जो अपने आप को अपने ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं रियलिटी में चेक कर लेते हैं. इट इम्प्रूव अ हैबिट एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट. इससे स्टूडेंट की हैबिट और एटीट्यूड को भी इम्प्रूव होता है लेसन प्लानिंग के जरिए. इट इम्प्रूव द टीचिंग स्किल. टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं. इट मेक्स टीचिंग ऑर्डिनरी एंड ईजी. आसान और क्या बना देती है? आम बना देते हैं. यानी कि टीचिंग को एक बहुत फेमिलियर तरीके से आपके जो कंटेंट होते हैं इजी हो जाते हैं और आपको एक आम चीज़ सीखने की तरह मिलता है. इट मेक अ टीचर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग टीचिंग. इसे टीचर क्या कहता है? ऑर्गेनाइज रहता है, स्टे ऑन पॉइंट रहता है. उसको पता है इसके बाद मुझे क्या पढ़ाना है, इसके बाद मुझे क्या पढ़ाना है, क्योंकि उसने प्रॉपर अपने लेक्चर को थ्रू लेसन प्लान उसने ऑर्गेनाइज किया होता है. लेसन प्लानिंग डिटरमाइन when to include the interest facts to attract the student attention. Lesson planning के जरिए क्या होता है, हम student के interest और interest को भी develop करते हैं plus उनकी attractions भी जो है वो students की जो attention और attraction जो होती है toward the learning continue रहती retain रहती है. It enable the teacher to impart the thing the student can do at the best of their abilities. ठीक है, इससे टीचर्स को जो है टीचर को एक मौका मिलता है यानी कि इनेबल हो जाता है कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को यानी कि अपनी चीज़ों को इम्पार्ट कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके विद द स्टूडेंट्स ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज को बेस्ट इम्प्रूव कर सके. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज लेसन. ये तो हमने इसको पढ़ा कि हम लेसन प्लानिंग क्यों करते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या पर्पजेज हो सकते हैं दैट वी आर आई लिस्टेड. So you can learn periodically so you will able to know what is the reason and purpose of making the lesson plan. So we will learn the definition. What is lesson planning? The process of thinking through writing down a plan for the teaching of the learning within or a lesson that I will be teaching to a specific group of students in a specific place at specific time. ये कैसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने अपनी थॉट को जो है वो एक प्लान करते हैं राइटिंग डाउन के जरिए. राइटिंग के जरिए प्लान करते हैं टीचिंग के लिए कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारी थॉट क्या है. टुडे माय थॉट, माय टॉपिक, माय आइडिया. ठीक है, उस अपना आइडिया को राइट डाउन करते हैं थ्रू प्लानिंग कि हम क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है. ठीक है, अ लेसन दैट आई विल टीचिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक लेसन्स को कितने ग्रुप्स को पढ़ाना है, कितने स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड दैट इज मेजरेबल. कि आपको पता होगा कितना टाइम लेगा, क्या कंटेंट होंगे, किस तरीके से होंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग. सो लेसन प्लानिंग का मतलब ये भी होता है कि हु एम आई टीचिंग, मैं किन को पढ़ाने जा रहा हूँ, कौन है ऑडियंस, कैसे है, व्हाट आई एम टीचिंग, मैंने पढ़ाना क्या है, किन को पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा मैंने पढ़ाना क्या है, हाउ विल आई टीच इट, मैं इनको कैसे टीच करूँगा, How will I know if the student understand? अगर मुझे क्या करना चाहिए, अगर स्टूडेंट को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी है तो मैं किस तरीके से उसको और अट्रैक्टिव और बेहतर बना सकता हूँ. ठीक है,
What is lesson plan? Another definitions of lesson planning. A lesson was क्यों कट रही है? Okay, let me off the plan. Now clear है? Hello, बुले लाला आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सो व्हाट इज लेसन प्लानिंग? लेसन प्लान, लेसन प्लान इज अ डिजाइन दैट मैप आउट द टीचर इंटेंशंस अबाउट द लेसन. इट रिफ्लेक्ट द टीचर प्लानिंग डिसीजंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लेसन डिजाइन. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि लेसन प्लानिंग एक ऐसा मैप है जिसमें टीचर क्या करता है, अपनी इंटेंशंस को लेसन के बारे में डिजाइन करता है और क्या करता है, टीचर रिफ्लेक्ट द और अपना डिसीजंस उसके प्लानिंग के जरिए बनाता है और फिर उसको अंडरस्टैंडिंग के प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता है. ठीक है, उनको अपना लेसन्स के जरिए क्या करवाता है, बताता है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग. सो अनदर पॉइंट ऑफ टीचिंग इज दैट व्हाई अ लेसन प्लान. लेसन प्लान इज क्लैरिटी, फ्रेमवर्क, reminders and unpredictable event and commitment. So these hum lesson plan kyun banate hain? For the clarity, framework, reminders and unpredictable event and commitment. So clarity mean lesson plan help to be clear about what you want to teach and teacher need to make wise decisions about the strategies and method they will employ to help students move systematically toward learning goal. Some are saying क्लियर है, सम आर टेलिंग मी आवाज कट रही है, दैट मीन प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड. इफ सम अदर स्टूडेंट कैन हियर, दैट मीन प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड बिकॉज फ्रॉम माय साइड इट्स वेरी क्लियर. ठीक है खतीजा, थैंक यू खतीजा, बट सोनिया इज टेलिंग दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, वॉइस कट रही है बार बार. सो वंस यू हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं? हम क्लैरिटी के लिए बनाते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो अपने डिसीजंस है थ्रू द स्ट्रेटजी जो है, आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकें और जो मेथड डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट उसको सिस्टमैटिकली अपने लर्निंग गोल को अचीव कर सकें. फ्रेमवर्क क्या होता है? लेसन प्लान गिव्स अ शेप. इससे क्या करते हैं, हम अपने पूरे एक उसको स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उसको शेप दे देते हैं. ठीक है, लेसन प्लानिंग एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम उसको अपने अपने लेसन को, जो अपने टॉपिक को क्या करते हैं, शेप देते हैं. रिमाइंडर क्या है? लेसन प्लान मे आल्सो प्ले द रोल ऑफ अ रिमाइंडर फॉर द टीचर व्हेन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड. यानी कि लेसन प्लान एक ऐसा रिमाइंडर है जब कोई आप ड्यूरिंग द क्लासरूम अगर आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गई है, दैट मीन यू विल एबल टू नो दैट आफ्टर दैट आफ्टर फिनिशिंग दिस पॉइंट आई विल कंटिन्यू इन अनदर पॉइंट. So it will help you to give you the reminder to stay on your point of view. Let me off the fan. If you people are having a problem. So now clear? Hello? Reply me. My voice is clear? Hello. So as I talk to you, why we are making the lesson plan? Lesson plan mean to make the clarity, framework, and reminder. I taught you in very detailed descriptions. Clarity हम क्यों हम बनाते हैं ताकि हम अपने जो lesson plan के लिए जो हमारी want है, जो हमारा decisions है, जो हमारे goals है,
थ्रू द स्ट्रेटजी और मेथड उसको हम जो है सिस्टमेटिकली अपने गोल को अचीव कर सके. दैट इज डिमांड क्लैरिटी. सो फ्रेमवर्क में क्या है, ये फ्रेमवर्क ऐसा एक स्ट्रक्चर दे देते हैं जिससे लेसन की जो आपका जो है वो पूरा जो टॉपिक है उसको शेप मिल जाती है कि आपने क्या क्या उसमें चीजें कवर करानी है और इसके पहले फर्स्ट के बाद सेकंड क्या चीजों को क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है. दैट विल हेल्प यू टू स्टे. और रिमाइंडर इसलिए है कि इसमें जब आपको कहीं क्लास में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है तो दैट मीन इट विल हेल्प यू टू स्टे ऑन योर पॉइंट. Unpredictable events. Lesson plan may also include a room for unpredictable events. This help teacher to be ready to cope with whatever happen. ठीक है, lesson plan एक ऐसा tool हो सकता है, ऐसा एक weapon हो सकता है, या जब आपके पास ऐसे unpredictable यानी surprising event हो जाते हैं तो ये teacher को ready करता है to cope with whatever happen. तो वो क्या करता है, उसको अगर अनप्रडिक्टेबल यानी सरप्राइजिंग सिचुएशंस के अंदर या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया है या कोई आपका ऐसा इवेंट हो गया, आपका डिस्कशन जो है वो अनदर पॉइंट ऑफ व्यू में एक और दूसरी साइड मूव कर गई है, तो आप वो ये क्या करता है, अगर कोई ऐसी चीज हो तो इट विल हेल्प यू टू स्टे एज वेल ऑन योर मेक यू सेल्फ रेडी टू कोप एन अदर इवेंट. तो कमिटमेंट का मतलब है कि इट सजेस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड रियल कमिटमेंट. यानी कमेंट लेसन प्लान जो है वो आपका प्रोफेशनलिज्म के लेवल को जो है वो स्टैंडर्ड को एक्सीड करता है और वो आपका शो करता है कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड एंड डिवोशनल टुवर्ड योर टीचिंग. समझ आ रही है? Understand? So commitment and unpredictable event में भी ये आपको support करता है. This is why it's important to make the lesson plan. Ma'am, bus कर दे. What happened? Nudrat, who you are, I don't know. I forgot your midterm preparations. Up, let me teach. You are keep on distracting me, dear student. Let me finish my topic. Sir, let me talk to Mrs. Zubeda. Okay, you are demanding, Nudrat, and you are not giving me a chance to talk. Let me teach. After that, we will discuss and you can call me. Tell to your CR and he or she can call me and then I will finalize with it. And this is not the right way to disturb during the class. I understand, but this is not, you are keep on distracting me. I am not able to teach you people. Unpredictable event, I told you, and commitment, I already told you. It shows your dedication and devotion toward your teaching. So while you are teaching, objectives are supposed to be SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. So, whenever we are planning anything, must be our objective must be. Our objective must be SMART. SMART mean specific होने चाहिए, measurable होने, attainable, relevant and time bound. So there is a five component of the SMART. Specific, measurable, attainable, relevant and time bound. Definitions of as I told you earlier to you people, the are detailed descriptions of an individual's lesson that a teacher plan to teach on a given day. A lesson plan is developed by a teacher to guide instruction throughout the day.
It is the method of planning and preparations. A lesson plan traditionally includes the name of the lessons, the date of the lesson objective, the lesson focus, material that will be used, and summary, all the activity that will be used. Lesson plans are terrific set of guideline for the teachers. Hello. अभी तो आ रही थी. हेलो. हेलो हेलो. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही. नुदरत, नुदरत यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम. हेलो, जरा जल्दी आना वहां. क्या हुआ? आओ तो. मिस ज़ुबैदा है? नहीं मैम, ज़ुबैदा किधर है? चली गई है? छुट्टी हो गई. हाँ अच्छा, चल जल्दी आ फिर. हेलो हेलो, मेरी आवाज गुले लाला. हेलो अदीला, आवाज आ रही है? शो मी योर रिस्पॉन्स. अदीला आ गई. ओके, थैंक यू सो मच. चले, शुक्र है. सो थ्रो इफ वी समराइज द होल विच आई टीच यू पीपल अबाउट द लेसन प्लानिंग, आई विल डिस्क्राइब यू पीपल थ्रू द दिस डेफिनेशंस आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इंडिविजुअल लेसन्स दैट अ टीचर्स प्लान टू टीच ऑन अ गिवन डे. वो उसको महावत बुलाओ. आवाज तो आ गई है लेकिन मैं वैसे उसको बुलाना चाहूँ. अ लेसन प्लान इज डेवलप्ड बाय टीचर टू गाइड इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द डे. यानी कि लेसन प्लान इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि टीचर जो है वो थ्रू आउट द डे उसको पता हो कि उसने क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने, क्या मेथड यूज करना है, मेथड ऑफ प्लानिंग प्रिपरेशंस. ठीक है, लेसन प्लान ट्रेडिशनली इंक्लूड द नेम ऑफ लेसन. आपने देखा है कि इसका जो ट्रेडिशनली नाम है वो लेसन प्लान ही, जिसमें हम क्या करते हैं, डेट ऑफ द लेसन डालते हैं, ऑब्जेक्टिव डालते हैं, लेसन का फोकस क्या है, मटीरियल क्या है, किस तरह से यूज किया, उसकी समरी क्या होगी, समरीज ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट विल बी यूज्ड. लेसन प्लान्स आर टेरिफिक सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर द टीचर. ये एक क्लियर वॉइस, क्लियर है वॉइस जी गुले लाला, थैंक यू सो मच. सो टू समराइज डेफिनेशन अगर लेसन प्लान की, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि टू समराइज इन अ वेरी बेसिक टर्म, अ लेसन प्लान इज अ टीचर गाइड्स फॉर रनिंग पर्टिकुलर लेसन्स. And it include the goal, what the student are supposed to learn, how the goal will be reached, the method procedures. Another way, अगर देखा जाए तो उसने कहा कि ये एक summarizing way है lesson plan जो है. Another definition उसने कहा कि ये एक summarizing way है जिसमें हम जो teacher है वो क्या उसको guide मिलती है कि वो particular कौन से lesson को run करना चाहता है, उसमें क्या उसने goal डाले हैं, क्या उसने supposed to student ने क्या learn करना है, और गोल को कैसे तक कैसे पहुंचना है, क्या मेथड और क्या प्रोसीजर यूज करने हैं, एंड द वे ऑफ मेजरिंग हाउ द गोल वाज रीच्ड. और फिर आप उसको, आपने ये देखना है कि उनके लिए आप क्या जो एवेल्युएशंस के लिए या मेजरिंग के लिए क्या टूल यूज कर रहे हो, आप टेस्ट ले रहे हो, वर्कशीट दे रहे हो, कोई होमवर्क दे रहे हो. सो दिस इज द
So this is the purpose of lesson planning, and by the definition to explain a whole every aspect of. So you will learn about more and more about lesson plan. Selecting lesson plan material. आपने lesson plan के लिए material कैसे select करना है, क्या करना चाहिए? आपका lesson plan must be correlate with the textbook the classes use. The school usually select the textbooks or provide teachers with the limited textbook choice for a particular unit. My dear, this student keep on interrupting me. They said, ma'am, बस कर देना पढ़ाएं अभी मिट्टा में मिस लग ये देखो ये मुझे पढ़ाने नहीं दे रही. आज इनको disturbance होगी, कितना ज़्यादा syllabus होगा, मैम आप हम कितना पढ़ाएंगे? ये देखो मैडम ने कहा ना आपको क्या आपकी क्लास के ऊपर वो होल्ड नहीं है, आप उनको कैसे? नहीं मैं तो करूं, नहीं मैं कर सकती. मैंने कहा आप देखो, मुझे मैंने डांटा, मैंने कहा मुझे पढ़ाने दो, आपने पढ़ना है. अब वो चाहते छोटे छोटे बच्चों की तरह ना, इतनी इतनी चीजें हों जिनके जब वो रटे मारे उन पर, आपको पता है इनका जॉब करती है फिर इसलिए इनको प्रॉब्लम भी है. सो इनका ये चीज है ना, तो मैडम के पास नहीं लेके जा सकते ना. सो दिस इज माई प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई दिस इज. अभी देखा जाए तो लेसन तो इनका बहुत है, टीचिंग लर्निंग इज 10 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है इमेजिन, और ये उनको इजी ले रहे हैं. सो सिलेक्टिंग लेसन प्लान मटेरियल, अ लेसन प्लान मस्ट बी कोरिलेट विद द टेक्स्ट बुक. आपने जब भी लेसन प्लान बनाना ऑलवेज कोरिलेट विद द टेक्स्ट बुक, ठीक है, जो क्लास में यूज की जाती है. जस्ट स्कूल जो यूजली सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक, या आपके अंदर रेफरेंसेस में आपने देखा जो कोर्स कंटेंट होते हैं स्कैन में रेफरेंसेस डाले होते हैं. वो आज में बड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, इनकी तरफ से प्रॉब्लम आती है. हाँ देखो मैंने सारे फैन भी बंद कर दिए. School usually select the textbook or providing teacher with a limited textbook choice for a particular unit. The teacher must take great care and select the most appropriate book for the student. जब भी आपने lesson plan के लिए material select करना है, आपने be careful होना है, आपने जो appropriate correlate जो book है उसको use करना है, और जो syllabus में जिसकी आपने देख सकते हैं कि जिनकी limitations limited choice होती हैं, वो जिन क्या कहते हैं जो school usually select the textbook और provide the teacher a limited textbook. जब वो teacher को वो specific book कह सकते हैं, उनको recommend कर सकते हैं, always go for that. So teacher must take the great care. उसको बहुत ज़्यादा देखना है, सोचने, because this is the last while you are preparing your lesson plan and selecting the material for lesson plan, you must be very careful for selecting the book. So the relevant material you can found. Type of assignment. जब हम देते हैं lesson plans में, जब हमने last definition पर पढ़ा के summarize करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं summarize, test दे सकते हैं उनको, homework देते हैं, worksheet दे सकते हैं. तो type of assignment में हम उनको किस तरह से assignment दे सकते हैं और कैसी assignment दे सकते हैं. Whole class होती है, small group होती है, workshop करवा सकते हैं, workshop के जरिए भी हम उनको assignment दे सकते हैं. Independent work है, peer learning है, and contractual work है. So we will further we will learn detail about this topic. So type of assignment, the instructor must decide whether the class assignment are whole class, small group, workshop, independent work, peer learning or contractual. हमने ये देखना है कि वो उसको देखना चाहिए कि कौन सी, जब उसने select करनी, must be decide according to the assignment के वो पूरी क्लास को देना, स्मॉल ग्रुप को देना, वर्कशॉप देन करवानी है, करनी है, कैसे सीखना है, इंडिपेंडेंट वर्क देना है, या फिर उनको पीयर लर्निंग के दे देना, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल. सो हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे. होल क्लास क्या होती है असाइनमेंट, द टीचर लेक्चर टू द क्लास एज अ होल एंड हैज द क्लास कलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम डिस्कशन. होल जब टीचर जो है लेक्चर देता है पूरी क्लास को, तो उसने क्या करना है कलेक्टिवली वो क्या करके पार्टिसिपेट करें इन डिस्कशंस में. वो होल क्लास की भी असाइनमेंट हो सकती है, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ असाइनमेंट. क्या पूरी क्लास को टाइम दे रहे हैं कि वो अपनी क्लास में डिस्कशंस का एक टाइम रख सकते हैं, ड्यूरिंग रख सकते हैं, पोस्ट रख सकते हैं, एंड अदर टाइप डे ऑफ द डे ऑफ लेक्चर टाइम यूज कर सकते हैं. तो इट डिपेंड ऑन द टीचर्स द डेट एंड टाइम हाउ ही सिलेक्टिंग. स्मॉल ग्रुप में क्या करेंगे, स्टूडेंट वर्क ऑन असाइनमेंट इन ग्रुप और ऑफ थ्री और फोर. तो ये छोटे ग्रुप्स में भी हम दे सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप उनको असाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी देखते हैं. होल क्लास भी आप कर सकते हैं,
कि आप पूरी क्लास डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें, या फिर उसको दो दो तीन चार का ग्रुप बना के भी हम उनको असाइनमेंट दे सकते हैं। और फिर वर्कशॉप में स्टूडेंट परफॉर्म वेरियस टास्क साइमल्टेनियसली, वर्कशॉप एक्टिविटी मस्ट बी टेलर टू द लेसन प्लान। आपने जब वर्कशॉप एक्टिविटी करवानी है तो आपने एक साथ सारी चीज़ों को करवाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि उनको एक्टिविटी मस्ट बी टेलर टू द लेसन प्लान। आपने उनको टेलर कर यानी कि एडवर्टाइज करना थ्रू द लेसन प्लान कि आपने आज वर्कशॉप कर रहे हैं, व्हाट विल बी द एजेंडा, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, कौन कौन सी चीज़ें आप सीखेंगे इसमें क्या क्या, तो साइमल्टेनियसली सारी चीज़ों को आपने एक साथ रख के ये जो है अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। इंडिपेंडेंट वर्क में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट कंप्लीट असाइनमेंट इंडिविजुअली। सो इंडिपेंडेंट में स्टूडेंट को हम दे सकते हैं वो अपने मतलब इंडिविजुअली करेंगे इंडिपेंडेंट वर्क में। पीयर लर्निंग में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वर्क टुगेदर फेस टू फेस सो डैट दे कैन लर्न फ्रॉम एन अदर्स। सो ये क्या है, फेस टू फेस भी हो सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से डिस्कशंस करें और फिर वो एक दूसरे से किस तरीके से लर्न करते हैं, इसको क्या कहते हैं, पीयर। सो पीयर का मतलब है कि जो फेलोज का एक साथ फेस टू फेस और एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे से लर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पीयर लर्निंग कहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क, द टीचर एंड स्टूडेंट एस्टैब्लिश एन एग्रीमेंट दैट द स्टूडेंट मस्ट परफॉर्म अ सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क बाय अ डेडलाइंस। इसका मतलब है कि टीचर जो क्या करता है, स्टूडेंट्स के दरमियान दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट होता है, दोनों क्या करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ भाई ये डेडलाइन है, इसके अंदर आपने ये काम खत्म करके देना है। ठीक है, डेवलपिंग लेसन प्लान। अब आपने लेसन जब प्लान बनाना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल देयर आर मैनी फॉर्मेट फॉर अ लेसन प्लान, मोस्ट लेसन प्लान कंटेन सम और ऑल ऑफ दीज एलिमेंट टिपिकली इन ऑर्डर। मोस्टली इस तरह से होते हैं, लेकिन अगर देखा टिपिकली इस तरह के ऑर्डर में बने, टाइप ऑफ लेसन्स, टाइटल द लेसन्स। पहले अपने लेसन्स का टाइटल देना है कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द लेसन्स, कितना टाइम आपके लिए रिक्वायर है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटीरियल। ठीक है, फिर अपने रिक्वायर्ड मटेरियल की एक लिस्ट बना लेनी है कि आपको मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। फिर आप उसमें से क्या करोगे, अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव विच मे बी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बट द स्टूडेंट कैन डू एट द लेसन कम्प्लीशन। वो क्या करेगा, उसको क्या जो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो किस तरीके से अपने किस तरीके से करेगा, यानी कि किसी चीज़ को देख के कर रहा है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का मतलब है जैसे इसको हम थ्री डोमेन में भी कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जो बेंजमन की थ्योरी है कि इनको हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, कि वो किस तरीके से पहले लर्न करेगा फिर उसको खुद से करके देखेगा। ठीक है, ये होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, व्हाट द स्टूडेंट कैन डू एट द लेसन कम्प्लीशन। जब वो लेसन को कम्प्लीट कर लेगा तो स्टूडेंट को वो क्या करेगा, ठीक है, उसको कंक्रीट फॉर्म में लर्न करेगा या पहले उसको देखेगा फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लर्न करेगा, ठीक है, या फिर उसको कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के जरिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेगा। सो लर्न और नॉलेज ऑब्जेक्टिव, नॉलेज ऑब्जेक्टिव ये होता है जिसमें हम कह सकते हैं जैसे कि वो कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे रिमेंबर करता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करता है, कैसे एनालिसिस करता है, कैसे सिंथेसाइज करेगा, कैसे वैल्यूएट करेगा, दैट इज रिलेट टू योर कॉग्निटिव। और हेयर बिहेवियर एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव जिसमें उसके एक्शन इन्वॉल्व है, और इसमें क्या है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव में जिसका उसका माइंड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है कि वो किस तरीके से अपने आप को किस तरीके से, व्हाट द वे ऑफ एक्टिव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव। सो सेट ब्रिज इन मतलब वो गैप क्या करेगा, लेसन प्लान का मतलब है सेट द ब्रिज इन दैट फोकस स्टूडेंट ऑन द लेसन स्किल्स और कॉन्सेप्ट। दिस इंक्लूड शोइंग द पिक्चर और मॉडल, आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस और रिव्यूइंग प्रीवियस लेसन्स। यानी कि उसने कहा कि लेसन प्लान एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके जरिए दोनों के दरमियान में जो एक ब्रिज जो है, ब्रिज गैप जो है वो क्या होता है, उस पर फोकस, यानी कि स्किल्स और कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टूडेंट ऑन द लेसन स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट, दीज इंक्लूड शोइंग द पिक्चर। अगर किसी को कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड पिक्चर के जरिए करवा सकते हैं, ठीक है, अगर आप स्किल्स की बात करें तो मॉडल दिखाकर भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछकर कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस लेसन से रिव्यू करके भी हम उसे पूछ सकते हैं।
So developing a lesson and an instructional component that describe the sequence repeat ho gaya I think so piche chala gaya okay so good planning kya hoti kya it will agar aapki lesson ki good planning hai to aapko kya kya that will what will be the benefit of it keep us the teacher and student on track dono ko track pe rakhta hai taaki dono ki distractions na ho koi jo hai information lost na ho gap na aaye It is a good planning. ठीक है good planning ये होती है जिसमें student और दोनों teacher जो दोनों हैं वो track पर रहते हैं achieves the objective दोनों achieve करते हैं teacher भी और student भी help the teachers toward unpleasant surprise यानी को कोई unevent ना हो जाए इससे teachers को ये avoid करता है वो teacher को prevent करता है protect करता है unpleasant और unsurprising surprise जो event हो जाते हैं उसे उसको protect करता है provide the road map and the visual in logical sequence that is this is the good planning ye kya kehta road map provide karta hai aur fir ek visual logical sequence bhi aapko pata hai ki iske baad ye aayega iske baad ye hai definition kya hai purpose kya hai significance kya importance kya hai purpose kya goal kya whatever is you put in the sequence that will it will help to visualize logical sequence so provide direction to substitute encourage reflection refinement and improvement लेसन गुड लेसन प्लान जो होती है हमेशा आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है एंड द सब्स्टिट्यूट कोई और ऐसी जो चीज आपकी समझ में नहीं आती वो सब्स्टिट्यूट होती है यानी कि किसी और जरिए से हम उसको अचीव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन यूज कर सकते हैं ठीक है और फिर ये आपको इनकर्ज करती है और आप इसके जरिए जो क्या है सारी इम्प्योर यानी कि एक्स्ट्रा चीजों को निकाल के प्योर चीज को निकालते हैं और जिससे आप अपने जो है अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं एनहेंस स्टूडेंट अचीवमेंट और स्टूडेंट की अचीवमेंट को इनहेंस करते हैं पुअर प्लानिंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं पुअर फ्रस्ट्रेशन फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए फ्रस्ट्रेशन ना उसको समझ आ रही है कि उसने क्या पढ़ाना और ना उसको समझ के पढ़ाया क्या गया दोनों में ही क्या होगी फ्रस्ट्रेशन होगी एमलेस वेंडरिंग यानी कि दोनों ही मतलब ऐसे ही है कि जैसे इधर से उधर घूम रहे होंगे यानी कि उनको कुछ पता नहीं होगा कि वो क्या करना चाहते हैं अनमेट ऑब्जेक्टिव होंगे नो कनेक्शन टू प्रायर लर्निंग आपकी लर्निंग का पहले भी ना पता होगा ना एंड में पता ड्यूरिंग कुछ पता ही नहीं होगा डिसऑर्गेनाइजेशन इसमें आपको नजर आ रही होगी लेक ऑफ नीडेड मटीरियल जो चाहिए था वो मटीरियल ही नहीं है वो पुअर प्लानिंग है जो आपको रेकमेंड था या जो जिस तरीके से उसको सीक्वेंस और स्टेप्स होने थे वो भी नहीं है और मटीरियल जो है आपका लॉजिकल वेस्ट टाइम आपका टाइम वेस्ट होगा एंड पुअर मैनेजमेंट शो होगी ठीक है इसका मतलब है कि यू नीड टू प्लान प्रॉपरली टॉपिक को आपने क्लियर शेप देनी है ठीक है ताकि आपकी प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टूडेंट लर्निंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज क्या डालेंगे आपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या डालें उसके टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज क्या डाली है स्ट्रेटजी चेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग तो इसमें हमने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है ताकि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग हो सके हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे डेवलपमेंट डालेंगे कंक्लूजन है आस्क पर क्वेश्चन समराइज द मेन पॉइंट एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू द कोर्स नेक्स्ट लेसन एंड रिकैपिटलाइज और वन मिनट राइटिंग अबाउट और द लेसन आपने उसको दोबारा से देखना है कि एक मिनट के बाद यानी कि आप बच्चों ने क्या सीखा उसको यानी कि समराइज करना है एट द एंड ऑफ टाइम ताकि वन मिनट के अंदर आपको पता चल जाए कि इस लेसन में आपने क्या पढ़ा और बच्चों ने क्या अंडरस्टैंड किया है अप्रोच टू लेसन प्लानिंग बेसिक थ्री एलिमेंट इसमें बेसिक एलिमेंट इसके होते हैं 3 to 5 लेसन ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉन्टेंट टू बी कवर कंटेंट कितना कवर करना है नेक्स्ट में कितना हम उसको शफल करके डबल भी कर सकते हैं अगर एक लेक्चर इतना लेंथी और कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको 2 से 3 डेज में शफल कर सकते हैं ठीक है सो हमने फॉर एग्जांपल मैंने अगर लेसन प्लानिंग बनाया तो मैंने इसके अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो मैंने क्या करना इसको आई विल शफल इट इन 2 डेज और वेदर इन द 3 डेज सो मैं उसको पेरियोडिकली सारे कॉन्टेंट को उसको सिस्टमेटिक वे से अंडरस्टैंड कर सकूं और करवा सकूं एक्टिविटीज हैं लेक्चर है ग्रुप वर्क है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज में हम उस तरह से लेक्चर दे सकते हैं ग्रुप वर्क करवा सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को सिनेरियो देके बच्चों को उसके बारे में एक्टिविटीज करा के आप उसके से क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है रिसोर्सिस एंड मटीरियल नीडेड इंक्लूड टेक्नोलॉजी आपने आपने देखना कि रिसोर्सेज और मटेरियल क्या है और फिर उसमें आप क्या टेक्नोलॉजी यानी कि क्या मेथड यूज करके आप उनको अंडरस्टैंड टाइमिंग कितनी होगी आउट ऑफ क्लास वर्क एंड असाइनमेंट
सो आई पुट मेरा ख्याल है कि आई नीड टू समराइज दिस लेक्चर रेस्ट ऑफ इन द नेक्स्ट लेक्चर और आफ्टर दैट यू हैव अ 17 जुलाई देयर इज अ वन वीक अहेड सो मे बी आई लास्ट टू मिस जुबैदा इन द नेक्स्ट 30th फ्राइडे आई विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक हेलो आप मुझे समझ रहे हैं सुन रहे हैं डियर स्टूडेंट हेलो नीलम ठीक है सो वी विल एक्चुअली यहाँ पे मैंने 3 मॉडल डाले हैं जिसके हैं गुले लाला यस मैम सो गुले लाला मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमने जो मैं मिस जुबैदा से बात करूंगी कि अभी वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें रिवीजन का टाइम दे मैं बात करती हूँ अगर वो कहती हैं कि नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि अगर उन्होंने मुझे लिंक भेजा तो आई नीड टू टेक अ लेक्चर प्लीज डू नॉट आर्ग्यू बिकॉज दिस इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड सिंस दे विल tell me that stop classes I will stop if they will tell me that continue it yes ma'am because all the teachers start revisions for their subject okay so this is my last lecture theek hai after that I will review all your lectures theek hai samajh aa gaya happy Actually, the thing is that after your exam, this will be, I will discontinue because I will not teach another 6 months. This is the last semester. Is only the, in this semester, I will teach you this subject. This is why I am teaching you in very hurry. Clear? After. After midterm. After midterm, this will end. So this, the following classic लेसन प्लानिंग मॉडल आर मोस्ट पॉपुलर इन लेसन प्लानिंग दीज आर इसमें उसने कहा कि बहुत सारे लेसन प्लानिंग के आपको फॉर्मेट मिलेंगे लेकिन इनके जो क्लासिक मॉडल जो हम जिसके यूज करते हैं वो गैगनिंग का फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट है और हंटर जो है 7 स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग है एंड 5E जो लेसन प्लानिंग मॉडल है ये 3 मॉडल जो है ये क्लासिकल मॉडल है विच वी आर पॉपुलरली पीपल आर यूजिंग फॉर द लेसन प्लानिंग So let me please later on you can ask me the questions. Let me finish these 3 frame models, classical models. First off of Gagnon framework for instructional development. Gagnon के मुताबिक उसने जो कितने step दिए मैंने आपको बताया था कितने step models हैं Gagnon instructional framework development. इसने step को दिया है gaining attentions, informing learner of the objective. आपने अटेंशन को गेन करना है लेसन प्लानिंग जब आपने बनाना है अटेंशन गेनिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है इनफॉर्मिंग लर्निंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आपने अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग आपने उनकी प्रायर लर्निंग को रिकॉल करना है प्रेजेंटिंग कॉन्टेंट फिर अपने कॉन्टेंट को प्रेजेंट करना है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस उनको अपने लर्निंग गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस और फिर उनको प्रैक्टिस करने की भी अपॉर्चुनिटी देनी है प्रोवाइड फीडबैक इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव
और फिर आप उनको फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि अगर उनमें कोई लैकिंग है तो पता चल जाए कि हाउ टू इम्प्रूव इट. असेस परफॉर्मेंस के को आप कैसे करें, एग्जाम टेस्ट एंड पेपर के जरिए आप उनकी क्या करेंगे, असेसमेंट को असेस करेंगे. एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर. मेडलिन हंटर सेवन स्टेप लेसन प्लानिंग. मेडलिन हंटर के मुताबिक जो है सेवन स्टेप कौन से, सबसे पहले उसने कहा गेटिंग स्टूडेंट रेडी टू लर्न. सबसे पहले अपने स्टूडेंट को तैयार करना है फॉर द लर्निंग. द गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू लर्न. आपने इनको रिव्यू देना, प्रोटेक्ट सेट कर प्रोटेक्टिव सेट देने हैं, यानी कि ठीक है स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव, उनको ऑब्जेक्टिव बताना है, इंस्ट्रक्शन देनी, फिर इनपुट एंड मॉडलिंग, फिर उनका इनपुट भी देना है, स्टूडेंट से इनपुट देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, फिर उसको मॉडलिंग के जरिए पूछना भी है. डिफरेंट मॉडलिंग के जरिए आप उनको पूछ सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन शो पिक्चर दिखा सकते हैं, कोई ऐसा थीम दे सकते हैं, कुछ भी करके कुछ मॉडल डिस्क्राइब कर देने, कोई मॉडल शो कर देने, पिक्चर के जरिए दिखा के आप उसको उनके जो है कॉन्सेप्ट को थ्रू इंस्ट्रक्शन हम उनको क्लियर करेंगे. ठीक है. चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग. गाइड प्रैक्टिस. प्रोवाइड फीडबैक विदाउट ग्रेडिंग. आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को जब चेक करना करेंगे तो आपने क्या करना है, गाइड प्रैक्टिस प्रोवाइड फीडबैक विदाउट ग्रेडिंग. आप उनको ये नहीं कहा कि आप उनको ग्रेड करना करें, विदाउट ग्रेडिंग आपने उनकी प्रैक्टिस में फीडबैक उनको उनसे लेना है और देना भी, बताना भी उनकी कहाँ लेकिंग है. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस यूजली अ ग्रेडेड असाइनमेंट. इंडिपेंडेंट जो प्रैक्टिस हम करवाते हैं वो एक ग्रेडेड असाइनमेंट भी हो सकती है. सो फाइव वी विल कंटिन्यू इन द अनदर लेक्चर्स. सो रिमेंबर दिस फाइव थ्री जो है क्लासिकल लेसन प्लानिंग मॉडल. ठीक है. क्लासिकल लेसन प्लानिंग मॉडल जो है वो उसमें क्या गैगनिंग का है, हंटर के एंड फाइव ई. आज हमने क्या हंटर के गैगनिंग के फाइव फ्रेमवर्क पढ़ा है कि कौन सा वो उनका रिकमेंडेड जो इसके मुताबिक गैगनिंग के मुताबिक कौन सा जो इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए. हंटर सेवन सेवन स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग. ये हमने हंटर के भी सेवन स्टेप को डिस्कस किया है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजों का जब आप लेसन प्लान बनाए तो क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. समझ आ गई है. Because teaching learning is a very important subject, because it is a tool how to utilize your knowledge, how to implement your knowledge, what method you can use, what strategy you can use, how to design and how to frame your informations. So this is really very, very important, my dear student. Without teaching and learning, you will not able to know how to deliver the effective way and how to use the effective way for your own learning, for other learning. So what strategy, so this is, thank you Hira. Hira, it is not, I am not praising myself, but I am really, I work really hard for you people. At least at the end, at least you will come to know my teachers really work hard for me. I am not that, even it's your, you know, internal subject, but you know, this subject is very important. Ask to my student, I teach them so many things in the teaching learning from 2 to 30 students.
एंड दिस इज नॉट इवन विच आई टीच यू पीपल इट्स इवन नॉट हाफ भी नहीं होता उसका, ठीक है. उनको मेरे इतने लेक्चर्स होते हैं, दिस मच बुकलेट, ठीक है, एक बहुत बड़ा उनके पास होता है. सो माई डियर स्टूडेंट, नेवर स्टॉप लर्निंग. मैंने कहा था कि लर्निंग के लिए कभी भी हमें हमेशा वी ऑलवेज हैव द क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर एंड मोर. जब तक हम ये देखें, लर्निंग एक समंदर और दरिया कि इसमें जितना भी डाल दिया जाओ सब कुछ अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है. वो जो है वो एट द एंड वो आपको बेनिफिट ही देता है, ठीक है. जो कुछ भी आप उसमें स्टोर कर लेते हो, वन डे यू विल नॉट बी इट इज नॉट अ यूजलेस. आप किसी भी टाइम इसको यूज करें, वन डे यू विल बी अ टीचर, सो एटलीस्ट यू विल नो. कि ये तो नहीं होगा कि आपके लिए एक नई चीजें हैं आ गई, आपको टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ाना है, या आपको एज ए क्लिनिकल एरिया में ही आपको पता चल जाए कि टीचिंग लर्निंग में क्या प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, लेक्चर मेथड क्या होता है, डेमोंस्ट्रेशंस कैसे करते हैं. मैंने इतनी सारी चीजें आपको करा दी हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस सेशंस मैंने प्रॉपर कराया आपको, ठीक है. उसमें सारे मैंने अभी तो अभी आपको रेटिंग स्केल करवाना था, सारा मैं करवाती, वो और बहुत ज्यादा डिटेल में है. क्योंकि आपका लेवल, आप देखो ना, पोस्ट एंड डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू लर्न, नॉट टू ऑलवेज यू नो हैव नो मूड, यू आर नॉट शोइंग द रिस्पॉन्स फॉर टुवर्ड लर्निंग. सो दिस इज रियली नॉट अ गुड एटीट्यूड एट ऑल. कीप मोटिवेटेड यूर सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू लर्न बिकॉज आई एम हेयर टू लर्न मोर एंड मोर. एटलीस्ट एट ग्लांस ना सारा याद करो, सारे कोई भी याद नहीं कर सकता, लेकिन एट अ ग्लांस एटलीस्ट यू आर फेमिलियर विद द थिंग एंड कॉन्टेंट. क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टूल होते हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ टीचर, एज अ गुड यू नो प्लानर, गुड इम्प्लीमेंटर, ठीक है. दिस इज रियली वेरी वेरी गुड फॉर यू पीपल. So I agree with this, but I really want to give you my reflection. I want to see my reflection in you people. So whatever I have, I really want to give it to you that at the end you will keep it in your mind and for the future use. Okay. So thank you so much and best of luck. आप इन चीजों को go through जाएं, अपने mind में एक story create करके करें. मैंने आपको हमेशा story की तरह बनाया है. कोई बहुत rushing नहीं होती चीजें कि आपको समझ में ना आए या आपको एक story create ना करने हैं. जैसे interactive है उसमें पता होना चाहिए कि interactive teaching क्या होती है, क्या क्या होते हैं, ठीक है. जैसे मैंने आज लेसन प्लान बनाया, लेसन प्लान को मैंने बहुत सारे तरीकों से एक्सप्लेन किया है, उसके पर्पस बताया, उसके सो मैनी डेफिनेशंस बताए, उसके स्टेप बताए, उसके मैंने प्रॉपर उसके मॉडल को बताया कौन कौन से मॉडल यूज करते हैं. नेक्स्ट हम स्टेप यूज सीखेंगे कि लेसन प्लान, जब लेसन प्लान आप देखो कि जब आपने बनाना, आपने कोई प्रोसीजर भी बताना ना, तो आपने लेसन प्लान बनाना ही. आपको पता हमारी मैडम तो हर कहती है कि आप अपनी पीपीटी बनाते हो उसके साथ अपना लेसन प्लान भी, आप हमारी फाइल चेक कर सकते हो. मैडम हमसे लेसन प्लान मांगती हैं, हमारी फाइल्स में देखो जाके लेसन प्लान सारे लगे हुए हैं. हम हर लेसन के साथ अपना एक लेक्चर के साथ अपना लेसन प्लान बनाते हैं और उसके ऊपर लगा के फिर हमारा पूरा लेक्चर हम उसको प्रॉपर पहले स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है लेसन प्लान के अंदर. तो लेसन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने किसी को इन्फॉर्मेशन बतानी है तो आपको जब आपने प्रॉपर प्लान ही नहीं किया, ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, तो आप कभी भी अपने पॉइंट में स्टे नहीं कर सकते, आपकी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है. तो मैंने कितने सारी आपको चीजें ये बताई हैं जिसमें आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये देखो ये प्रोसेस है पुअर मैं अपने गुड प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, ठीक है. अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव अचीव होते. अगर आपने गुड प्लानिंग की है वो आपके लिए भी अच्छी हो सकती है और आपकी स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, दोनों के जो होते हैं. अब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं वो अनप्लेजेंट. गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड ऑल.